जतिन जी उतरे हैं मैदान, फिर वाइट का इशारा कर रहे हैं। अगली गेंद और ये हल्के से पुश करके एक ही रन मिल पाएगा, वहां फील्डर मौजूद है और एक रन के साथ स्कोर धीरे धीरे बढ़ते हुए 152 रन हो चुका है। 10वां ओवर चल रहा है और वहां फील्डर मौजूद, लेकिन उन्होंने कोशिश की थी लेकिन इसको पकड़ नहीं पाए और ये 4 रन कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के लिए वहां पहुंचने के लिए, और काफी से उन्होंने उनको गेंद को पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन वो ना लूज हाथ में आई होगी ना ये गेंद को पकड़ पाए। और ये देखिए एक और अच्छी गेंद, अच्छी विकेट कीपिंग का प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं लतीफ। और ये देखिए इनके बीच में से गेंद निकल गई है और यहाँ कुलदीप मुस्तैद थे, उन्होंने गेंद को पकड़ लिया जा रहा है, इसकी वजह से उनको गेंद बराबर ढंग से दिख नहीं, तो इसमें दोष उनका नहीं। वहां भगवान मौजूद है, भगवान ने फेल किया और एक ही रन मिल पाएगा, एक रन और 100 रन पूरे हो चुके हैं, 200 रन पूरे हो चुके हैं। और अब ये इनसे कुलदीप बॉलिंग करेंगे और बल्लेबाज, और बहुत अच्छी फील्डिंग वहां, अब चुस्त फील्डिंग का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि लेग स्लिप प्रेस क्लिक की टीम जो है अब चुस्ती में उतरी है। आखिरी के 15वें ओवर में किस तरह की बल्लेबाजी होती है, गेंद हो चुकी है, अब सिर्फ 5 गेंदें बाकी हैं, 5 गेंदों में कितने रन बनाते हैं कुलदीप पवेलियन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। ओह बहुत अच्छी गेंद, बीट हुए बल्लेबाज, और ये बहुत अच्छी गेंद लेकिन नहीं, यह एम्पायर का इशारा वाइट का। फिर क्लब के इस मैदान पर फोगल आदमी का भी बहुत वेलकम स्वागत को घुमा कर मारा है, वहां फील्डर मौजूद है, बहुत सारे फील्डर एक साथ दौड़ रहे हैं और इसने 2 रन दौड़ लिए। और इसके साथ ही 15 ओवर समाप्त, पहली पारी समाप्त हो चुकी है, 15 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 15 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 209 रन, 210 रन का लक्ष्य दिया है लेग सिटी प्रेस क्लब के लिए। 210 रन बहुत आसान है, आसानी से बना लेंगे अगर बल्लेबाज टिक जाता है तो, ये रन कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं है। होटल एसोसिएशन के मेंबर से निवेदन है कि ये लेग सिटी प्रेस क्लब को अपना बड़ा बदबूत दिखाते हैं, 5 ओवर खेलने का मौका दें, इस बीच 4 रन। शानदार शॉट लतीफ, 4 रन के लिए जाती हुई बॉल और ये बाउंड्री पार। गौरव बल्लेबाज और बहुत अच्छी फील्डिंग वहां, अब चुस्त फील्डिंग का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि लेग स्लिप प्रेस क्लब की टीम जो है अब चुस्ती में उतरी है। आखिरी के 15वें ओवर में किस तरह की बल्लेबाजी होती है, गेंद हो चुकी है, अब सिर्फ 5 गेंदें बाकी हैं, 5 गेंदों में कितने रन बनाते हैं कुलदीप पवेलियन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। ओह बहुत अच्छी गेंद, बीट हुए बल्लेबाज, और ये बहुत अच्छी गेंद लेकिन नहीं, यह भैया थोड़ा पास, अरे यार मोबाइल में भी
मैं भी हूँ। अरे आ जाओ आ जाओ। अरे अरे खूबसूरत माहौल के अंदर होटल एसोसिएशन और लेग स्पिन प्रेस क्लब के बीच शानदार आयोजन जो है उसमें इवेंट का यहाँ पर चल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा होटल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं भगवान जी वैष्णव को, आज जिन्होंने लेग स्पिन प्रेस क्लब के साथ इस तरह का मैत्री मैच जो है वो यहाँ पर रखा। काफ़ी ही खूबसूरत प्रतिभाएँ जो है वो मैत्री मैच के दौरान होटल एसोसिएशन की यहाँ पर दिख रही है। लगातार कहीं ना कहीं बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन जो है वो उनकी ओर से यहाँ पर नजर आ रहा है। रन काफ़ी बन चुके हैं लेग स्पिन प्रेस क्लब की, बैटिंग अभी बाकी है और मैं आशा करता हूँ कि लेग स्पिन प्रेस क्लब जो है इस मैच को आसानी से जीतेगा। हमारे अंदर भी काफ़ी प्रतिभा आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर होटल एसोसिएशन और लेक सिटी प्रेस क्लब का मैत्री मैच यहाँ फील्ड क्लब ग्राउंड पर रखा गया है। काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर ये मैच खेला जा रहा है और होटल एसोसिएशन की अभी बैटिंग चल रही है। काफ़ी अच्छा प्रयास है इनका, हम चाहते हैं कि होटल एसोसिएशन वाले जीत जाएँ और खुश रहें। और हमारा अक्सर प्रयास रहता है कि हमारे सामने वाली टीम हंसते हंसते घर पे जाए और मतलब जीत के घर जाए। हम बड़े इस मामले में थोड़े से उदारवादी हैं। इस मैं हमारे होटल एसोसिएशन के गौरव जी हैं, उनको बुलाना चाहूँगा। आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पर होटल एसोसिएशन वर्सेस प्रेस क्लब का मैच फील्ड क्लब में आयोजित किया गया है। बहुत ही अच्छा वातावरण है, सभी होटल एसोसिएशन वाले और एवं प्रेस क्लब वालों से इसी बहाने सभी का मिलना जुलना हुआ और बहुत ही अच्छा फ्रेंडली मैच चल रहा है। बहुत बेहतरीन ये प्रयास रहता है। हर बार 15 अगस्त और 26 जनवरी दो ऐसे मौके होते हैं जब लेक सिटी प्रेस क्लब के जो मेंबर्स हैं उनका एक मनोरंजन का दिन जो होता है वो मिलता है। पूरे समय खबरों के पीछे दौड़ना, ट्रेस में रहना, कौन सी खबर क्या वो काम करना, तो ये दो दिन ऐसे होते हैं कि हम सब साथ में मिलके और खेलते। तो अभी देख सकते हैं कि मैदान का जो नज़ारा है और मैदान के बाहर का जो नज़ारा है काफ़ी सौहार्दपूर्ण और खुशनुमा माहौल है। हर खबर से दूर क्योंकि आज प्रिंट के जो हमारे साथी हैं उनके आज पूरा ही अवकाश रहता है और जो इलेक्ट्रॉनिक में भी ज़्यादा इतनी खबरें जो है वो आज नहीं रहती है, तो उसका कहीं ना कहीं ये दो दिन जो हमारे लिए होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और हर हम मेंबर जो है वो चाहता है इसका पूरा लुत्फ़ उठाए और पूरा एंजॉय करे। आज शाम को पार्टी भी होगी तो उसका भी हमको पूरे साल इंतज़ार रहता है और ये होटल एसोसिएशन के साथ में पहली बार जो हमारा मैच हो रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है कि होटल एसोसिएशन के लोग जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा हम हर बार मिलते हैं, सबको जानते हैं, लेकिन पहला ये मौका है तो हमारे जो अध्यक्ष महोदय जो है रफीक साहब उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने होटल एसोसिएशन के साथ मिलकर इस आयोजन को बहुत बेहतरीन आयोजन जो है वो किया है। धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू विश एवरीबडी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे प्रेस क्लब उदयपुर एंड आई वांट टू से दैट एवरी ईयर प्रेस क्लब यूज्ड टू ऑर्गेनाइज लॉट मेनी फंक्शंस ऑन डे एंड वी यूज्ड टू सेलिब्रेट दिस डे विद अ फुल जील एंड हैप्पीनेस एंड ब्रदरहुड and today also we are playing a match with the Hotel Association of Udaipur and it's a very, you can see that it's a very pleasant atmosphere. We are playing a friendly match and we are enjoying ourselves and I wish everybody, whether it's my team or Hotel Association's team, all the best and thanks for giving us a chance to show our talent to you. आज होटल एसोसिएशन की तरफ से हमने फील्ड क्लब ग्राउंड में था जरूर लेकिन प्रेस क्लब होटल एसोसिएशन उदयपुर का एक मैच रखा जिसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। मैं अपनी टीम होटल एसोसिएशन को मैं अपना बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ।
सोसाइटी पार्टिसिपेट करना चाहिए, रोटल एसोसिएशन तो हर सामाजिक नहीं करता है और प्रेस क्लब भी कर रहा था, एक अच्छा माहौल है और प्रेस को भी जनरल लोगों से मिलना चाहिए, उनसे संबंध स्थापित करने चाहिए और अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा पर। प्रेस क्लब और होटल एसोसिएशन के फ्रेंडली मैच के अवसर पर मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं मेरी ओर से सबको शुभकामना देना चाहता हूँ। ये जो मैच हो रहा है फ्रेंडली मैच, ये अलग ही अद्भुत मैच है। अद्भुत इसलिए कह सकते हैं कि प्रेस क्लब वाले जो मैच के लिए हमारा क्लब के प्रेस के साथी हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे वो प्रेस के हमारे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये देश के चौथे स्तंभ हैं और चौथे स्तंभ के रूप में चाहे देश विदेश की बातें हो या गांव की गरीब की बात हो, आम जनों की बात उठाते हैं और आम लोगों को इससे अवगत कराते हैं। और जो हमारे होटल एसोसिएशन है, उदयपुर हमारा विश्व प्रसिद्ध शहर है और एक इस विश्व प्रसिद्ध शहर को सुंदर बनाने के लिए और हमारे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए होटल एसोसिएशन का बड़ा योगदान है और सामाजिक कार्यों में होटल एसोसिएशन पूरा योगदान निभाता है। होटल एसोसिएशन ने पहला रिपब्लिक डे पे ये कप का आयोजन किया है, इसमें मैत्री मैच है और आगे भी भविष्य के अंदर भी होटल एसोसिएशन यही प्रयास करेगा कि नई नई कुछ काम होते रहें और टूरिस्ट के क्षेत्र में कुछ योगदान देते रहें। सबसे पहले मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ देता हूँ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर होटल एसोसिएशन और लेक सिटी प्रेस क्लब के बीच में जो ये मैत्री मैच हो रहा है, ये एक नया कदम है, शहर में एक नया संदेश देना चाह रहे हैं कि इस प्रकार का आयोजन होने चाहिए। और फिल क्लब के इस मैदान में ये जो बहुत सुंदर मैच हो रहा है, इसमें लेक सिटी प्रेस क्लब के खिलाड़ी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। होटल एसोसिएशन की जिस टीम ने इसका आयोजन किया है, उन सभी को मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत अच्छे सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं भगवान वैष्णव, अध्यक्ष होटल एसोसिएशन उदयपुर से हूँ और ये जो फ्रेंडली मैच आज होटल एसोसिएशन और लेक सिटी प्रेस क्लब का हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहला प्रयास है हमारा और इसे देख के बहुत खुशी हो रही है। सभी लोग होटल एसोसिएशन के सदस्य इसका आनंद ले रहे हैं। होटल एसोसिएशन और प्रेस क्लब के वर्सेस प्रेस क्लब का एक मैच चल रहा है रिपब्लिक डे पे, हम भरतपुर की 69th रिपब्लिक बना रहे हैं और यहाँ होटल एसोसिएशन की पहले बैटिंग है और 15 ओवर का मैच है, 14 ओवर में 200 रन बना चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि होटल एसोसिएशन के बैट्समैन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। प्रतीक परिहार जो हमारे बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, वो बहुत अच्छा खेले हैं आज। उम्मीद करते हैं कि प्रेस क्लब भी इतना ही अच्छा खेले और मैच में आनंद आए। आज जो ये होटल एसोसिएशन और प्रेस क्लब जो मैच हुआ है, आप सब पधारों के लिए हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक बेहतरीन मैच था और एसोसिएशन पहली बार इस क्रिकेट मैच किया है और आप सब पधारे, उसके लिए धन्यवाद। उदयपुर होटल एसोसिएशन और प्रेस क्लब का ये मैत्री मैच होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रेस मीडिया जो है आज की तारीख में हमारे समाज का बहुत एक ध्रुवीकरण है कि हमारे एक स्तंभ है, इसका स्तंभ है। तो होटल एसोसिएशन के सभी मेंबर्स को जीतने के लिए बधाई और प्रेस मीडिया के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी पत्रकार लोग हैं, उनका हार्दिक आभार। होटल एसोसिएशन और प्रेस क्लब की ओर से जो ये आज क्रिकेट की प्रतियोगिता हुई, वाकई में भगवान जी को बहुत बहुत बधाई। इन्होंने शुभारंभ किया किसी कार्य का। ये खेल एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि खेल भावना की वजह से आपस में मैत्री भाव बढ़ता है और यह प्रतियोगिता कराकर आपने एक अच्छा शुभ संकेत दिया है कि हमारे प्रेस के खिलाड़ी कभी बहुत कम हारते हैं, इनकी टीम बहुत अच्छी है लेकिन आज हारे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हार कर भी आप सबने दिल जीता है, उनको बहुत बहुत शुभकामना। होटल एसोसिएशन की ओर से, मैं भी एक होटल एसोसिएशन का ही प्रतिनिधि हूँ, सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ। गणतंत्र दिवस की भावना स्तर पर सबको मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। सफल आयोजन आपके द्वारा, आपके सबके प्रयासों से जो हुआ है, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे जितने भी कोऑर्डिनेटर टीम के सदस्य, सबको धन्यवाद देता हूँ। सभी खिलाड़ियों को धन्यवाद देता हूँ, प्रेस क्लब के सभी खिलाड़ियों को, सभी के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि आगे भी हमारे साथ ऐसा ही आप सहयोग करते रहें और होटल एसोसिएशन कुछ नए आयाम प्राप्त करें। हार जीत तो ये क्रिकेट मैत्री मैच था, इसमें हार जीत का कोई प्रश्न नहीं है, हर वर्ष किया जाता है और ये आपसी मैत्री भावना बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसमें हार जीत का कोई इतना महत्व नहीं रहता, हम सब आपस में मिले ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि ये है रिटायर्ड, लेकिन हम इनको आउट ही मान रहे हैं।